hello students in previous video we have revised about the minerals their sources and functions and we have learned that uh, we need minerals in small amount only and we have discussed about the calcium phosphorus iron and iodine and their functions and then we have uh, discussed and revised the other essentials that is roughage Roughage is a fiber present in the food and it, is, it helps our body to get rid of undigested food. Undigested food ko, uh, remove karnique, help the hair and it also helps us to avoid overeating. Roughage is therefore a very important part of our food. And now we will uh, revise the other essentials which are required by our body. So, second uh, essential uh, thing is your water. So, water is essential for our body for function properly. And you know that we can't live without water for many days. If we don't have water for many days, what will happen? We will die. So, it is a, it is very essential, and it is essential for our body to function properly. प्रपर्ली फशन करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है वाई इम्पोर्टेंट बिकॉज वॉट आर हेल्पिंग डाइजेशन ऑफ फूड एंड एबजॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिय अवर बॉडी अब ये जो भी न्यूट्रिय फाइव टाइप्स के न्यूट्रिय हमने डिस्कस किए कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स वाइटामिन एंड मिनरल्स ये जो न्यूट्रिय हैं अगर ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे हम उनको खा तो रहे हैं फूड के साथ बट वो अगर एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वट आर दियर यूज उनका क्या यूज है सो वॉटर हेल्प इन डाइजेशन फूड को डाइजेस्ट करने में और इन न्यूट्रिय को एब्सॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है राइट सो इट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वाटर इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड सबसे पहले तो डाइजेस्ट होगा फूड तभी हमें न्यूट्रिय मिलेंगे उससे एंड देन ऑल्सो हेल्प्स इन ऑफ़ न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है एंड इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी और हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है एंड वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट एट टू टेन ग्लासेस ऑफ वॉटर एवरी डे सो हमें एट टू टेन ग्लासेस वॉटर डेली पीना चाहिए

So different nutrients perform different functions in our body, right? We have already learned the functions of different types of nutrients. Sorry, nutrients ka apna functions hai, function carbohydrates and fats gives us energy, right? And then proteins help us to grow. That is a bodybuilding nutrient. And then vitamins and minerals protect us from diseases. So different nutrients perform different functions in our body.

अवेलेबल इन एनी वन फूड आइटम तो सारे न्यूट्रिएंट्स किसी भी एक फूड आइटम में प्रेजेंट नहीं होते यू you नो know, हमने सोर्सेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट डिस्कस किए हैं लर्न किए हैं तो ऐसा कोई भी फूड नहीं है जिसमें सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो हमने मिल्क की बात की थी तो उसमें भी कोई ना कोई न्यूट्रिय जरूर लैक करता है ऑल इट कंटेन्स मैनी न्यूट्रिय बट सारे न्यूट्रिय उसमें भी प्रेजेंट नहीं होते फॉर एग्जांपल शुगर से हमें कार्बोहाइड्रेट तो मिलती है बट फैट्स प्रोटीन्स एंड मिनरल्स नहीं मिलते फूड्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन एंड मिनरल्स बट लैक प्रोटीन्स एंड फैट्स अगर आप बोलते हैं कि मैं सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाता हूं ज्यादा तो उससे भी आपको विटामिन एंड मिनरल्स तो मिल जाएंगे बट प्रोटीन और फैट्स आपको नहीं मिलेंगे एंड चिल्ड्रन आर इन हैबिट टू अवॉइडिंग सम फूड आइटम्स तो बहुत सारे बच्चे हैं जो पर्टिकुलर फूड को क्या है अवॉइड करते हैं। कुछ फूड आइटम्स को अवॉइड करते जब वो घर में बनता है तो वो नहीं खाते And over the years, a particular nutrient then remains missing from their diet. और जब उसको उस चीज को पसंद नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं तो क्या होगा? कई years की बात क्या होगा? तो वो particular nutrients जो है, उनकी diet से missing रहेगा। And this can affect their growth and proper functioning of the body. और जब कोई nutrient आपकी body में कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? आपकी growth जो है, वो effect होती है, और आपकी body properly function नहीं करती सो वी शुड देर फोर ऑलवेज टेक अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिय इन अप्रोप्रिएट अमाउंट सो हमें क्या करना है ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिय अप्रोप्रिएट अमाउंट में हो दैट वट आई हैव टेल यू That uh, balanced diet is a diet which contains all the types of nutrients in proper amount. Vaisi diet which has types of nutrients present, ho. and it should also contain a good amount of roughage and minerals. Such a diet is called a balanced diet, and nutrients ke saad saad aur kya hona roughage and water bhi hona that we have learned that. Uh, अदर इसेंशियल्स जो अदर इसेंशियल्स में हमने रफेज एंड वॉटर की बात, बात की थी सो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो वो भी हमारे डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए एंड यू कैन सी ही पिक्चर द ईट वेल प्लेट सो यूज द ईट वेल प्लेट टू हेल्प यू टू गेट द बैलेंस्ड राइट बैलेंस्ड राइट इट शोज हाउ मच ऑफ वट यू ईट शुड कम फ्रॉम ईच फूड ग्रुप तो किस फूड ग्रुप से क्या आता है तो हेयर इज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हमें बहुत खाना चाहिए देन ब्रेड राइस पोटैटोज पास्ता एंड अदर फूड्स जो ये है ये आपको ये भी ज्यादा खाना चाहिए देन मिल्क मिल्क एंड डेयरी फूड्स भी खाने चाहिए एंड फूड एंड ड्रिंक्स हाई फैट्स एंड फॉर शुगर वो खाने चाहिए एंड मीट फिश एग्स अगर कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है वेजिटेरियन है सो तो वो नहीं खा सकता तो वो क्या खा सकते हैं बीन्स एंड अदर डेरी सोर्सेस सो ये आपको लेने चाहिए सो so, ये आपका क्या बना देता है एक बैलेंस्ड डाइट सो आपकी डाइट में सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए राइट right? आप आपको दालें भी खानी चाहिए आपको वेजिटेबल्स फ्रूट्स भी खाने चाहिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भी यूज करना चाहिए और कभी कभी मीठी चीजें भी खानी चाहिए जिसमें शुगर प्रेजेंट हो एंड जो ये सारी चीजें आप जनरली खाते ही हैं तो ये आपके क्या हो गए एक बैलेंस्ड डाइट एंड पीपल नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिय अकॉर्डिंग टू दियर एज एंड दर्क दे डू So, सबकी जो है वो रिक्वायरमेंट बॉडी की क्या होती है डिफरेंट होती है राइट right? तो जैसे डिपेंड्स एज एंड वर्क दे डू क्या काम कर रहे हैं और उनकी एज क्या है फॉर एग्जाम्पल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन इट इज वेरी इंपोर्टेंट टू हैव अ डाइट दैट कंटेन्स मोर ऑफ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स सो ग्रोइंग चिल्ड्रन लाइक यू आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स बिकॉज इट इज़ अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रियट आपकी बॉडी इस टाइम ग्रो कर रही है सो यू नीड मोर ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स भी आपको ज़्यादा चाहिए बिकॉज आप बहुत एक्टिव होते हैं दौड़ते हैं भागते हैं खेलते हैं सो दे यू नीड ऑल दीज थ्री न्यूट्रिय इन मोर अमाउंट एंड ओल्ड पीपल हु आर नॉट वेरी एक्टिव नीड लेस एनर्जी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते ज़्यादा भागते नहीं हैं दौड़ते नहीं हैं आपकी तरह तो उनको कम एनर्जी चाहिए so they therefore need less of carbohydrates and fats so carbohydrates and fats come so we have uh, revised lesson number 7 and in next video we will uh, revise the exercise and question answers of this lesson thank you